नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजस्थान में मौसम भले ही मानसून का हो लेकिन राजस्थान के फिजाओं में चुनावी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। सूबे में चुनावी धुंध भी बजने में अभी वक्त है लेकिन प्रदेश की दोनों ही पार्टियां अपने अपने चुनावी अभियान में जुट चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी इस वक्त राजस्थान गौरव यात्रा के जरिए जनता के दिलों में उतरने की सफल कोशिश कर रही है। बीजेपी के लिए ऐसी यात्राएं जीत के लिए अचूक मंत्र मानी जाती है लेकिन वही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अभी कछुए की चाल चलती हुई दिखाई दे रही। राहुल गांधी 11 अगस्त को राजस्थान के दौरे पर जरूर आ रहे लेकिन आगे रोड मैप क्या है यह अभी किसी को जानकारी नहीं है। मेरा बूथ मेरा गौरव की कहानी सभी को पता है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान कांग्रेस के भीतर जो है यह भी किसी से छुपी नहीं है। जयपुर से दिल्ली तक समझाइश का दौर भी चला, समझाया गया लेकिन फिर भी कांग्रेस अभी स्लो मोशन से बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि 5 साल विपक्ष की भूमिका निभाने के बाद भी कांग्रेस में सत्ता पाने के लिए उस पाक जो होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा, या फिर राहुल गांधी के दौरे के बाद पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगी? चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। राजस्थान में चुनावी मैदान सज गया है। बीजेपी विकास का रथ लेकर राजस्थान भ्रमण पर निकल गई है। बीजेपी का विजय कारवां शहर शहर गांव गांव पहुंचने लगा है। सीएम वसुंधरा राजे जनता के बीच सरकार के कार्यों और योजनाओं का बखान कर रही हैं। तो कांग्रेस अभी भी रणनीति में उलझी है और दरवाजे के बाहर भी नहीं निकल पाई है क्योंकि कांग्रेस घर की ही जंग में उलझी है। जी मीडिया से खास बातचीत में मुख्यमंत्री राजे ने कांग्रेस को सिरे से खारिज कर दिया। कहा, कांग्रेस से बीजेपी की कोई तुलना ही नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के रथ को छू भी नहीं सकती। आई एम नॉट बॉदर्ड ऑल्सो कि वो क्या कर रहे हैं और हम उनसे कंपैरिजन अपना करना भी नहीं चाहते। हमने एजेंडा सेट किया है, उस एजेंडा के हिसाब से ही हम चलेंगे। हमने बेंचमार्क लगाया है, वो बेंचमार्क ऐसा है जो बेंचमार्क हमने अपने बेंचमार्क से ही लगाया और हम उसको उससे कम्पीट कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय के अंदर अगर ये चीज़ें अपनाते हैं तो एक तो कॉस्मेटिक्स है, मैं ये कहती हूँ कि अगर वो दूसरी चीज़ें भी अपना लें तो फिर आज उनको ये सब करने की जरूरत ही ना हो। बीजेपी के सामने बुझती कांग्रेस में जान फूंकने के लिए 11 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर आ रहे हैं। राहुल गांधी जयपुर में बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे और आगे की तैयारियों का जायजा लेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि एयरपोर्ट से लेकर बिरला सभागार तक राहुल गांधी रोड शो करेंगे जो जयपुर में हुए अमित शाह के रोड शो का जवाब होगा। आगामी 11 तारीख को शनिवार को और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। अभी तक जो हमारे पास जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार वो जयपुर में पीसीसी डेलीगेट्स के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ऐसे वक्त में राजस्थान आ रहे हैं जब प्रदेश कांग्रेस में दो फाड़ है। इससे पहले राहुल गांधी ने कल गहलोत और पायलट को दिल्ली तलब कर नसीहत दी थी। राहुल गांधी ने नेताओं को बयानबाजी से बचने की सख्त हिदायत देते हुए बीजेपी की तर्ज पर चुनाव प्रचार करने की बात कही थी। कांग्रेस अध्यक्ष जी के साथ में माननीय कांग्रेस हमारे पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट जी और आदरणीय अशोक गहलोत जी और उनके साथ में आने वाले समय में राजस्थान में उनकी दौरे के संबंध में काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष और मैंने स्वयं भी समय समय पर कहा है कि कांग्रेस की प्रथा रही है, हमेशा कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ता आया है, आगे भी लड़ेगा। लेकिन सियासी पंडितों का कहना है कि आते आते राहुल गांधी ने देर कर दी, जबकि बीजेपी पूरे प्रदेश में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है और कांग्रेस कमरे में बैठी है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस खुद को कवर करने में कामयाब हो पाएगी? क्या राहुल गांधी के हाथ से जनता हाथ मिलाएगी? क्या राहुल गांधी बीजेपी के विजय रथ का पीछा कर पाएंगे? सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर। तो एक तरफ राजस्थान की गौरव यात्रा चल रही लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस 11 तारीख को यानी राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से आएंगे जयपुर में और देखना है कि इसके बाद कितनी ताकत फूंक पाते हैं पार्टी में। पंकज मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस महासचिव हैं।
श्याम सुंदर शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं और पंकज मीणा साहब है बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेहता साहब, सबसे पहले सवाल आपसे ही है, चूंकि हम बात इसी बात का जिक्र कर रहे हैं और लगातार इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मोड में आक्रामक इस वक्त है, कांग्रेस इतने स्लो मोशन में क्यों है? क्योंकि पहले कहावत थी कि कछुए की चाल से चलना बेहतर होता है, क्योंकि गंतव्य तक पहुंचने के लिए खरगोश कहीं ना कहीं मात खा जाता है, थक जाता है, कछुआ चला जाता है। लेकिन आज की राजनीति में ये कतई अब तक देखा गया है कि फिट नहीं बैठता। क्या राहुल गांधी वाकई में 11 तारीख को आ रहे हैं, ये देर नहीं हो चुकी? मेहता साहब, सवाल आपसे है। क्या वो आवाज कटी? जी मेहता साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की तरफ से स्लो मोशन ये कितना सही है? इलेक्शन मोड इतने आक्रामक मुद्रा में चल रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी सुस्ती, बिल्कुल सभी लोग सोए पड़े हैं, ऐसा क्यों? कांग्रेस की तरफ से न तो सुस्ती थी न सुस्ती है। कांग्रेस ने 198 विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पूर्ण रूप से उन्हें चुनाव के लिए तैयार कर लिया है। ठीक है, हमारे यहाँ पर पूरे राजस्थान के अंदर हमारे नेतागण, वरिष्ठ नेतागण सब लोग पहुंचे हैं। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहे हैं, मेरा बूथ मेरा गौरव। और रहा सवाल भाजपा से मुकाबले का, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो आज गौरव यात्रा निकाल रही है, ये अपनी जेब मिटाने के लिए काम कर रही है। राजस्थान के अंदर उपचुनाव जो संपन्न हुए, अजमेर लोकसभा, अलवर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा के, वहां पर मिली। अरे मेहता साहब कहां आप लोग अभी हैं? निकले हैं यात्रा। मेहता साहब अभी आप लोग हैं कहां? 22 राज्य एक एक करके छिन गया आपसे, आप लोग 3-4 उपचुनाव जीतने के बाद इतने उत्साह में कैसे? क्या वाकई में उपचुनाव से यह मान लिया जाए कि आप सत्ता में वापसी करने वाले हैं? हम तो उत्साह में है, परिणाम हमारे पक्ष के हैं। अच्छा, परिणाम हमारे पक्ष के। अभी हाल ही में पंचायत राज के और स्वायत्त शासित निकायों के उपचुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आए। अच्छा, और रहा सवाल उसके बाद जयपुर के अंदर हमारी कार्यशाला हुई, चुनाव प्रबंधन को लेकर कार्यशाला हुई, और 11 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी जयपुर आ रहे हैं, और नए उत्साह और मनोबल के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव में जुटेगा और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगा। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी आ रहे संगठन में जान फूंकने के लिए या फिर वाकई में आम जनता से, पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए? क्योंकि ये काम तो भारतीय जनता पार्टी 2 महीने पहले कर चुकी है, संगठन को बता दिया कि भैया आपको क्या करना है। राहुल जी का संदेश, अच्छा, राहुल जी का संदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा, और वो जयपुर की धरती से राजस्थान की जनता से भी बात करेंगे और इस निकम्मी और आक्रमणीय सरकार की अनुपलब्धियों की चर्चा भी करेंगे और इसे कटघरे में खड़ा करेंगे। ठीक है, सीएम राजे ने आज जो कहा है ना कि कांग्रेस से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, कोई जवाब नहीं आया। हमने एक बेंचमार्क सेट किया है, यानी कांग्रेस को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है। अरे इस सवाल के जवाब लेंगे सर पंकज मीणा साहब, जैसा कि उन्होंने अभी आरोप लगाया, ये उनकी अहंकारी भाषा है। अच्छा, ये उनकी अहंकारी भाषा है, और इतिहास इस बात का गवाह है, घमंडी का सिर नीचा, हमेशा घमंडी का सिर नीचा हुआ है। अच्छा, और अहंकारियों की क्या स्थिति बनी है, ये रावण से सीख लेने की आवश्यकता है। अच्छा, तो ये बताइए ना, इतनी सुस्ती का कारण क्या है? ये कोई रणनीति है क्या? कांग्रेस से मुकाबला नहीं है तो किससे? कांग्रेस अगर इतने स्लो मोशन में चल रही, क्या ये चुनाव जीतने की कोई रणनीति है? जरा हमें भी समझा दीजिए मेहता साहब, ये बता दीजिए क्या ये कोई रणनीति है, क्या हम भी जरा जान लें? कांग्रेस चुनाव जीते, कांग्रेस निरंतर अपनी गतिविधियां कर रही है। अच्छा, चाहे वो आंदोलन के स्तर पर हो, चाहे संगठनात्मक गतिविधियों के स्तर पर हो, अच्छा, और चाहे अपनी वर्कशॉप के आधार पर हो,
हमारा कार्यकर्ता सर वर्कशॉप में तैयार है। मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो स्थिति थी वो किसी से छुपी नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आपका आला कमान भी जानता है। चलिए मीडिया साहब आपके पास आना चाहेंगे, क्या वाकई में कांग्रेस जिस तरीके से कुछ शरा ये ठीक है आएंगे सर आपके पास। मीडिया साहब अभी कांग्रेस की तरफ से आरोप भी आपके ऊपर लगाए गए कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो अहंकार में है, अहंकार है या फिर वाकई में काम को लेकर आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं, आपकी मुख्यमंत्री जा रही हैं, ये आपको विश्वास है? संजय जी, आने वाले कुछ महीनों बाद में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव में भाग लेगी, बाकी कुछ और दल भी इसमें भाग लेने वाले हैं, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसमें रहने वाली है। अब दोनों पार्टियों की स्थिति एक बार तुलनात्मक आप बात करके देखिए। भारतीय जनता पार्टी 4 साल हमने विकास किया और 4 साल का विकास लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं राजस्थान गौरव यात्रा के माध्यम से, एक और दूसरी तरफ एक कांग्रेस पार्टी है जिसने 50 साल के राज में क्या किया ये आज भी बताने को तैयार नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास में माननीय वसुंधरा जी का एक कुशल नेतृत्व है, जिनके पास में एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की फौज है, और दूसरी तरफ का कांग्रेस पार्टी है जिनके सेनापति का तो पता नहीं है और जो है वो आपस में लड़ लड़ के परेशान हो रहे हैं। और जो ये बात करते हैं कांग्रेस के लोग कि भाई हमारा संगठन काम कर रहा है, मैं संगठन की इनकी मिसाल देना चाहूंगा, इन्होंने 2 कार्यक्रम किए एक मेरा बूथ मेरा जूता कार्यक्रम इन्होंने किया, कैसे इन्होंने मेरा बूथ मेरा जूता का कार्यक्रम के अंदर 198 विधानसभा के अंदर एक दूसरे कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़े, एक दूसरे के लोगों के अपने अपनी पार्टी के नेताओं के लठ मारे, इन्होंने वो इनका अनुशासन दिख रहा है के साथ क्या हुआ? इनके बड़े नेता ये तो सामान्य बात है, ये सामान्य आप इनके बड़े नेता तो आपस में से एक दूसरे से नजर मिला के बात नहीं करते और एक दूसरे पर आरोप ऐसे लगा रहे हैं जैसे कल इनको सुबह जाके गद्दी के ऊपर बैठना है। ये इन कांग्रेस पार्टी की स्थिति है और इस आधार पे अगर ये चुनाव लड़के जीतने के सपने देख रहे हैं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा। अरे मेहता साहब, बीजेपी आपके लिए कह रही है, कम से कम सीरियस हो जाए सर, बीजेपी तो आपके लिए कह रही है, कम से कम यहाँ पर मीणा साहब भी कह दिया कि भाई थोड़ी सीरियस हो जाइए, उनको भी थोड़ा मजा आए, अकेले जंग में इस वक्त हैं। संजय जी आज इनकी सेनापति घोषित करने की हिम्मत नहीं है, चुनाव में इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इनकी हिम्मत नहीं बताने की, उसके बावजूद ही आप ये देखिए कैसे लठपटंग नीचे से लेके ऊपर तक चल रही है। एक ही गाय बगाई बहाना ये मारते हैं कि साहब हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है। मैं इनके प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक सवाल करता हूँ, क्यों इन्होंने चुनाव से 1 साल पहले प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया? क्यों इन्होंने पिछले दिनों जो विधानसभा चुनाव हुए वैसे पंजाब के और कर्नाटक में इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, और जब पंजाब और हरियाणा में पंजाब और कर्नाटक में चुनाव मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर सकते हैं, जब केंद्र में ये प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर सकते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर सकते? आप लोग कहते हैं कि हमारी प्रवृत्ति संस्कृति ऐसी नहीं रही कि हम पहले चेहरा तय करें। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने अभी चुनाव का कोई डिक्लेरेशन नहीं कि 1.5 साल 1 साल बचा है, आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे अगर सत्ता में आते हैं, अगर वाकई में यूपीए जीतती है तो आपके राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और यहां पर आपको चेहरा डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत हो रही? निश्चित रूप से अगर कांग्रेस बहुमत में आएगी केंद्र में तो राहुल गांधी, तो सर यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी की नीति क्या है ये बता दीजिए। तो वहां तो आप घोषित करने को तैयार हैं, पार्टी की नीति क्या है ये बता दीजिए। आप कहते हैं कि आपके यहाँ सब कुछ मुंगेरी लाल की हंसी मजाक वाली बात करते हैं आप लोग, सामूहिक निर्णय करिए ना, आप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करिए आप। चलिए ठीक है, हमारे यहाँ नीति स्पष्ट है, हमारा इस सवाल का जवाब मीणा साहब आपको देना होगा क्योंकि आपकी बातें दो हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, कांग्रेस एक तरफ कहती है कि हमारी नीति ये नहीं है कि हम चेहरा डिक्लेयर करके चुनाव लड़ें, एक तरफ इतने स्लो मोशन में कांग्रेस बढ़ रही है कि लगता ही नहीं कि वाकई में चुनाव को लेकर सीरियस है। राहुल प्रधानमंत्री आ गए, अमित शाह आ गए, मुख्यमंत्री 4 दिन हो चुका, जनता के बीच में पहुंच गई, राहुल गांधी का अब जाके ये दौरा डिसाइड हो रहा कि 11 तारीख को आएंगे, लेकिन वो भी सिर्फ जयपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। क्या वाकई में ये वक्त बचा है चुनाव से इतने कम समय में कि संगठन को मजबूत किया जाए, या संगठन को साल भर पहले मजबूत करना चाहिए था और अब जाकर आम जनता के बीच में जाना चाहिए था? ये कौन सी रणनीति है समझ में नहीं आ रही किसी को। देखिए संजय जी, ये बात तो सही है, देखिए संजय जी, क्योंकि वर्तमान स्थिति में बीजेपी की स्थिति मजबूत है,
और चुनाव प्रचार के लिए वसुंधरा जी 4 अगस्त से निकल गई, आज चौथा दिन है यात्रा का। बिल्कुल। और जहाँ पर वो गई है वो वहाँ पर भाजपा का वर्चस्व है, वहाँ पर उनको समर्थन अच्छा मिल रहा है, तो बात सही है। अब उन्होंने आज जिस प्रकार से जी आप ही को बताया कि मैं विपक्ष से बोधर नहीं करती हूँ, वो चाहे जो कुछ करते रहे, मैं अपने लक्ष्य को जो निर्धारित किया है मैं उसके अनुरूप अपना काम कर रही हूँ और उसी के आधार पर सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास होगा, बीजेपी अपनी सत्ता को कायम रखेगी। अब कांग्रेस में क्योंकि एकता नहीं है, उसी का परिणाम है कि सामूहिक रूप से चुनाव लड़ेंगे, ये कहना क्यों मजबूरी में क्यों कहना पड़ रहा है। इसलिए कभी तो आपके सचिन पायलट बयानबाजी करते हैं, कभी आपके सीपी जोशी करते हैं और कभी आपके अशोक गहलोत करते हैं। जब बयानबाजी हो गई तो उसके बाद राहुल गांधी को आखिर बुलाना पड़ा दिल्ली में और दोनों नेताओं को स्पष्ट रूप से कहा कि आप बयानबाजी बंद कीजिए और जाकर के संगठन को मजबूत करके कोई चुनाव की रणनीति कैसे उसको तैयार करके बनाइए। तो मजबूरी में आपके यहाँ के प्रभारी जी ने कहा कि साहब भाजपा में तो प्रधानमंत्री आ गए, अमित शाह 2 बार आ गए, वहाँ के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर गए, सारी चीज़ें तय हो गई और चुनावी प्रचार प्रसार जिस प्रकार से तेजी से होने लगा है तो हमारा तो कुछ करो आप चल के। तो लोकसभा का चुनाव, लोकसभा चल रही है, सत्र चल रहा है और लोकसभा का सत्र के बीच में ही उनको एक दिन के लिए जयपुर इसलिए आना पड़ रहा है कि संगठन के लोगों को ये कह के जाएंगे कि आप एकता के सूत्र में बंद करके और चुनाव की रणनीति शुरू करो और ये आपके नेता लोग बैठे हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत का अनुभव और सचिन पायलट की ऊर्जावान शक्ति को उपयोग कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे अमित शाह का रोड शो हुआ था, कांग्रेस भी चाहेगी कि एयरपोर्ट से बिड़ला सभागार जहां इनका कार्यक्रम होना है पीसीसी के प्रतिनिधियों को मिलना चाहते हैं ये पीसीसी के प्रतिनिधि और बाकी तो नहीं कहेंगे क्योंकि उस सभागार में आते ही 1200-1300 लोग हैं, तो वहां पर उन लोगों को बुला करके कोशिश करेंगे जयपुर से। वो जो आपके सामने अमित शाह कुछ सवाल छोड़ गए, सवाल कर गए राहुल भैया से, राहुल बाबा से कह गए कि आप अपनी 4 पीढ़ी का जवाब दे दो, तो हो सकता हो कि बिरला सभागार में ये सीधे तौर पर आकर के अमित शाह को ललकारें। अच्छा। कि मेरे 4 पीढ़ी का क्या मांगते हो जवाब। तो ये सारी बातें होगी और लेकिन अभी तक तय कब होगा, राहुल गांधी अपने मुख से किस प्रकार का भाषा का उपयोग यहाँ पर जो प्रतिनिधि का पीसीसी का सम्मेलन हो रहा है उसमें किस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे और किस प्रकार से नेताओं को संदेश देके जाएंगे कि किसके नेतृत्व में अगर चुनाव नहीं हुआ। शर्मा जी, एक पत्रकार के नजरिए से कहा जा सकता है कि पत्रकार के नजरिए से राहुल गांधी के दौरे को आप कितना अहम मानते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब राज्य की टीमें कमजोर पड़ती है तो सेंट्रल टीम फोर्स करती है, दबाव डालती है कि भाई चुनाव के लिए आप लोग एक्टिव होइए, लेकिन जब सेंट्रल टीम इतने लेट जागे और राज्य की टीमें आपस में लड़ जाएं, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ दें, कुर्ता फाड़ दें, जूता फेंकने की नौबत आ जाए, मारपीट की नौबत आ जाए, तो ये तो यही दिखाता है ना कि पार्टी में अनुशासन ही नहीं है, एकजुटता ही नहीं है। पार्टी वाकई में चुनाव को लेकर सीरियस है अभी या नहीं, 5 साल विपक्ष में बैठने के बाद? देखिए संजय जी, जब नेतृत्व प्रदेश का नेतृत्व कमजोर होता है तो ये सब घटनाक्रम होता है। आपके प्रभारी ने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई। आपकी आप देखिएगा कमला जी जो उपराज्यपाल रही है और यहाँ की उप मुख्यमंत्री रही है, उनके बेटे को तो मारा वहाँ पर, आपके जो मेरा बूथ मेरा गौरव जो कार्यक्रम हुआ शाहपुरा में, उनको उनकी पिटाई की, उसके बाद उसको निकाला गया 5 साल के लिए। सवाई माधोपुर में क्या हुआ, घटनाक्रम हो रहा है। अब पंकज जी के हालात जो कोटा से बैठे हैं वो बता नहीं पा रहे हैं कि जब अगर राहुल गांधी, देखिए नहीं एक बात सुनिएगा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को डिक्लेयर कर लिया अपने आप को, जब विरोध हुआ तो उन्होंने कहा नहीं 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 प्रधानमंत्री और भी हो सकता है। तो जब वो खुद विचलित है और खुद का निर्णय खुद सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व तो किसको देंगे। मैं मानता हूँ किसी एक को नेतृत्व तो देंगे तो निश्चित कुछ ना कुछ आएगा सामने। आप पंजाब में क्यों डिक्लेयर किया गया, पंजाब डिक्लेयर नहीं किया गया, कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मेरे को करो नहीं तो मैं करूंगा। राज्य के दिग्गज पत्रकार इस बात को समझते हैं, आम जनता इस बात को समझती क्या, कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझती क्या? और आप कहिए तो सीएम का एक बार बयान आपको सुनवा दें जिन्होंने साफ तौर पर बिल्कुल उत्साह में कहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई मुकाबला नहीं, हमने एक बेंचमार्क सेट किया है और हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये उनका भ्रम है, ये उनका भ्रम है, निकल जाएगा और अभी निकला है अलवर में, अजमेर में, मांडलगढ़ में। हर उपचुनाव में शिकस्त खाने के बाद इस तरह की दम्भी भाषा बोलना मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती।
यानी कांग्रेस ने ये मान लिया है कि उपचुनाव में अगर जीत हो गई एक दो सीटों पर कांग्रेस पार्टी में। मेहता साहब क्या आप कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं? 6 महीने से सो रहे हैं, कुंभकर्ण का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं आप? मुझे लगता है जो 6 महीने पुरानी घटना के उसी के सपने के अंदर आप जी रहे हैं। आज देखिए राजस्थान की जनता, राजस्थान गौरव यात्रा के कुछ अगर आपको वीडियो क्लिप मिल जाए तो देखिए कैसे जनता उमड़ रही है हमारे राजस्थान में। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया, जनता उसको प्रशंसा कर रही है, उसकी तारीफ कर रही है, और जो माननीय वसुंधरा जी को समर्थन मिल रहा है यात्रा के अंदर, उसको देख के शायद आप लोगों की नींद उड़ जाए। अगर आपको वास्तविकता जाननी है तो आप वीडियो में यात्रा को देखिए। आप आपकी सरकार ने आज रेत 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 के नाम पर जिस तरह के काले कांग्रेस केवल आरोपों की राजनीति करती है। आपका अगर हिम्मत है तो आप क्या हमें चुनौती है कि आप बैठिए हमारे साथ में कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल में क्या किया और 50 साल में आपने कितना लूटा। मेहता साहब मेरे दिमाग में एक और सवाल है, वो 40 सवाल आपके कहां गए 40 दिनों के लिए? दूसरे मंत्री को मार तो कांग्रेस के कहीं आता पता नहीं चल रहा है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भर इतने सवाल थे क्या? अनुशासन की बात कर रहे हो मेहता साहब, 40 सवाल आपके कहां हैं कांग्रेस के जी? सर आप लोग एक एक बुलबुले की तरह आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। आज चौथा सवाल वो आ रहे हैं, जवाब एक नहीं आ रहा। अरे आपने सवाल ही कहां पूछा? जवाब नहीं आ रहा, जवाब बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको कोई सवाल आए हैं? कांग्रेस ऐसे ही चुनाव लड़ती है क्या? 5 सवाल पूछ लिए संजय जी, 5 सवाल पूछ तो लिए, 5 सवाल पूछे थे, वो रोज एक सवाल पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, श्याम सुंदर शर्मा जी, संजय जी, राजस्थान की जनता इनसे 50 साल का हिसाब पूछ रही है, वो हिसाब बताइए। राजस्थान की जनता इनसे सवाल पूछ रही है, आप बताइए आपने 50 साल में क्या विकास का काम किया? राजस्थान के किसानों के लिए आपने क्या किया वो बताइए, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए आपने क्या किया वो बताइए, राजस्थान में महिलाओं के लिए आपने क्या किया वो राजस्थान राजस्थान की जनता से पूछ रही है, 50 साल में आपने क्या किया वो बताइए। आपके पास एक जवाब नहीं है कहने को, केवल लूटने के अलावा भ्रष्टाचार करने के अलावा आपने कुछ किया होता तो आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होता, पर आपने केवल राजस्थान को हिंदुस्तान का लूटा, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मेहता साहब मुझे लगता है चिल्लाने से कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो जाएगी, लूटने का तो रिकॉर्ड, चिल्लाने से सिर्फ कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो जाएगी। अच्छा विकास किया है, अभी वक्त है, 2-4 महीने बचे हैं सर, 2-4 महीने बचे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सीरियस हो जाइए आप लोग। शब्दों का प्रयोग सही कीजिए, शब्दों का प्रयोग सही कीजिए सर, शोर आप मचा रहे हैं, शब्दों का प्रयोग मुझे बता रहे हैं, चिल्लाने की बात नहीं है, नहीं शोर आप मचा रहे हैं, शब्दों का प्रयोग मुझे बता रहे हैं आप, तो जिस भाषा में ये बोलेंगे उस भाषा में जवाब देंगे। तो सर बताइए ना रणनीति क्या है, हम तो इसीलिए डिबेट में बैठे हैं कि कम से कम आपको जगा सकें। रणनीति स्पष्ट है क्या है बताइए, सबको बताइए, हम जनता समझे। अगर वाकई में आपको वोट देगी तो कम से कम समझे कि आप मांग देगी। राहुल गांधी बताएंगे 11 तारीख को। पंकज जी वो तो पंकज जी आप भी बता पाओगे, राहुल गांधी जी तय करेंगे ना कि चेहरा तय कर दो आप, अशोक गहलोत का चेहरा तय करोगे तो कुछ पाओगे आप, नहीं तो दिक्कत आएगी। अशोक गहलोत या सचिन पायलट, ये चेहरा तय करना होगा सर आपको, मुझे लगता है और सबको यही लगता है, एक चेहरा तय करके अगर राहुल गांधी का चेहरा तय कर सकते हो तो यहां पर भी करना होगा, या कम से कम इस बात को आपको नोटिस करना होगा कि जो गुटबाजी की स्थिति है इससे निपट जाएं। और कांग्रेस वाकई में स्लो मोशन में चल रही है, सभी चाहते हैं कि किसी भी प्रदेश में कम से कम 2 पार्टियां दिग्गज पार्टियां हो ताकि लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे, लेकिन कांग्रेस की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि वो सोई हुई नजर आ रही है। उम्मीद है कि 11 तारीख को राहुल गांधी अगर आ रहे हैं तो कम से कम वो जान फूंक दें, कम से कम चुनाव में वो स्थिति समझ में आ जाए। माफ करिएगा हमारे पास समय कम है, इसीलिए अब इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, समय बहुत कम था हमारे पास। और फिर वही सवाल है कि जिस तरीके से राहुल गांधी 11 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस में वाकई में क्या ऊर्जा का संचार होगा? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री आके चले गए, अमित शाह आके चले गए, अमित शाह 2 बार आके चले गए, सीएम राजे अपनी यात्रा लेकर निकल चुकी है, लगातार आज 4th दिन है, लोगों से जो रिएक्शन मिल रहा वो अपने आप में समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कहां पर खड़ी है। लेकिन कांग्रेस जब ये राजस्थान गौरव यात्रा अपने शबाब पर है, उस वक्त जागने के बाद ये डिसाइड करती है कि 11 तारीख को राहुल गांधी को बुलाना है, उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। सोचिए इस वक्त कांग्रेस की स्थिति क्या है, और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस कम से कम अब से भी जग जाए ताकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाने के बाद चुनाव की भूमिका में भी थोड़ी मजबूत हो जाए। फिलहाल आज न्यूज़ एंड व्यूज़ में इतना ही, नमस्कार।